A very good morning to all of you. Welcome to my channel. मेरा नहीं है आपका ये चैनल तो चलो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है सबके इस सेशन में जो भी ये टाइम चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी जरूर करवाएंगे हर स्कूल में ठीक है चाहे वो रीजनल बोर्ड हो पंजाब बोर्ड जैसे ठीक है हरियाणा बोर्ड हो जाए कोई भी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई है एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10th ठीक है चैप्टर नंबर 12 अपनी बुक्स में से देख लो और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखने स्टार्ट कर दो ठीक है अपनी कॉपीज खोल लो पेन पकड़ लो साथ में ठीक है जब भी लाइन कोई क्वेश्चन खत्म हो पॉज करके उसको नोट डाउन करते जाना ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट ठीक है इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ ये कुछ चीजें हैं जो इस चैप्टर में हमने कवर अप करनी है इलेक्ट्रिक करंट को किसके साथ रिप्रेजेंट करना है आई के साथ ठीक है वोल्टेज को किसके साथ कंसिडर करना है वी के साथ पोटेंशियल ऑल्सो डिनोटेड एज वी पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड आ जाता है उसको भी वी के साथ लिखते हैं वोल्ट्स में मेजर करते हैं रेजिस्टेंस इसको ओम्स में मेजर करना है ओम इसका सिंबल है दिस वन ओम ठीक है ये बात क्लियर होगी सबको करंट को आई के साथ रिप्रेजेंट करना है वोल्टेज को वी पोटेंशियल को भी वी रेजिस्टेंस ओम के साथ इसका ठीक है इलेक्ट्रिसिटी को आई के साथ को डिनोट कर दिया बट इसको मैं किसमें करना है इसका एसआई यूनिट कौन सा है एम्पेयर ए वोल्टेज का बी एज इट इज वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट्स रेजिस्टेंस को आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और ओम्स में मेजर कर लेते हैं कि ये सिंबल होता है ओम का ओम साइंटिस्ट का नाम था कि इतना रेजिस्टेंस है किसी सर्किट में रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट पैदा करना किसी चीज को अपोज करना ठीक है चलो नेक्स्ट देख लेते हैं स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है चार्ज चार्ज को इस चैप्टर में रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू के साथ क्यू ठीक है और मेजर किया जाता है कूलम्स में कि इतने कूलम चार्ज है कूलम साइंटिस्ट का नेम है ठीक है कूलम द फ्लो ऑफ चार्ज द फ्लो ऑफ क्यू इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरी जगह चार्ज का ट्रेवल करना इट इज नोन एज करंट करंट को लिखते कैसे हैं क्यू के साथ सॉरी चार्ज को लिखते कैसे हैं क्यू के साथ और इसको मेजर किसमें करना है कूलम्स में इतने कूलम चार्ज ठीक है सिंबल है कूलम का कैपिटल सी ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं साथ साथ इलेक्ट्रिक बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कन्वेंशन मतलब होता है ओल्ड पुराने तरीके तौर तरीके कन्वेंशनल मेथड्स ठीक है ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर कंडक्टर वर्ड का मतलब है जो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी को ठीक है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट को जो कंडक्ट करते दैट इज अ कंडक्टर और क्या कंडक्ट होता है मूव क्या हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिनोट करते हैं ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है इसीलिए कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर अच्छा अब पुराने टाइम तक हम ये कहते आ रहे हैं कन्वेंशनल मेथड ये है
कि जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, जैसे लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, करंट फ्लो करेगा राइट टू लेफ्ट। ये हो गया मेथड, दिस इज आवर कन्वेंशनल मेथड, ठीक है, या करेक्ट मेथड भी कह लो कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उससे उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को देखो किसके साथ रिप्रेजेंट किया गया है, आई के साथ। इलेक्ट्रिक करंट इज आई, ठीक है, इज इक्वल टू फॉर्मूला देखो, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को किसके साथ रिप्रेजेंट करना बताया अभी, क्यू के साथ, और टाइम को किसके साथ करते हैं, स्मॉल टी के साथ। आई इज करंट, दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। सो फॉर्मूला बिकम्स आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, ठीक है। इसका एक बहुत ट्रिक है लर्न रखने के लिए हमारे पास, कि Q is equal to I T, it, Q is equal to it, सिंपल ट्रिक इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए, Q is equal to it, T इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q is equal to I T, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। इसमें एक ये भी चीज बताई गई है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में हो रहे हैं, ठीक है। देखो ये जो लंबे वाला टर्मिनल होता है दैट इज पॉजिटिव, और जो छोटे वाला टर्मिनल है दैट इज नेगेटिव, ठीक है। जो हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है वो देखो कहां से पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है, बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो इस साइड से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, इस साइड आ रहे हैं, सो ऑपोजिट टू इच। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वही बताया हुआ है कि वेयर आई इज इलेक्ट्रिक करंट, Q is a net charge, T is a time in seconds. Time किस पे मेयर करना है, seconds में मेयर करना है, क्योंकि time का SI unit क्या है, seconds, ठीक है। SI unit of electric charge and current, SI unit of electric charge is coulomb, देखो coulomb के साथ आ गया, मैंने बताया था coulomb को capital C के साथ represent करना है, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में कैलकुलेट करना है, कैपिटल ए एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट को, एम्पेयर यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स। जैसे मैं कोई चीज बाजार में लेने गया, हम आटा लेके आए तो हम कहते हैं कितने किलो आटा, कितने किलो है आटा, कितने लीटर की बॉटल है, ये वो यूनिट्स है, रुपीज है, जैसे यूनिट्स है रुपीज, ठीक है। वैसे ही करंट को किस में मेजर कर रहे हैं, एम्पेयर में, इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलम में, ये इनके एसआई यूनिट्स हैं, ठीक है। इसका यही फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी के अकॉर्डिंगली बन जाता है। आई को किस में मेजर करते हैं, एम्पेयर में, वन एम्पेयर इज इक्वल टू कूलम, चार्ज को किस में मेजर करते हैं, वन कूलम अपॉन टाइम को किस में मेजर करते हैं, वन सेकेंड, यही दिया हुआ है, ध्यान से देखो बुक्स में, 1 ampere is equal to 1 coulomb upon 1 second, ठीक है, ये भी बात क्लियर होगी। अच्छा और देख लेते हैं जो चीज काम की है,
जो चीज काम की है वो है अब ये कि एमिटर का फंक्शन क्या है। एमिटर वर्ड का मतलब क्या है? जो ऑपरेटर्स इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करे सर्किट में। हमने सर्किट एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया, उसमें करंट कितना ट्रैवल हो रहा है कौन बताएगा? हाथ लगा के तो देखेंगे नहीं, है ना, हाथ तो नहीं लगाएंगे ना। सो एमिटर यूज होगा ऑब्वियसली। एमिटर एक डिवाइस है जिससे इलेक्ट्रिक करंट मेजर किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चार्ज, चार्ज दो तरह के होंगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आप जब सॉकेट लगाते हो, कोई चीज लगाते हो किसी प्लग में, मतलब कि सॉकेट में, तो ऐसे बना होता है ना, है ना, बना होता है। तो क्या करते हैं, ये एक एक हमारे पास होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, जिसमें हम प्लग लगाते हैं, चार्जिंग करते हैं फोन की, प्रेस लगाते हैं, वॉशिंग मशीन चलती है, एयर कंडीशनर्स चलते हैं, कुछ भी चीज चलती है, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस रन होता है। तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह के चार्जेस हैं हमारे पास। बाकी ये बड़ी क्लासेस का टॉपिक आ जाता है, इसमें आपको इतने एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट ये बताया हुआ है कि फोर्स इज इक्वल टू दो तरह के चार्जेस Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 अपॉन डिस्टेंस। वो एक यूनिवर्स में न्यूटन ने एक लॉ बताया कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। तो बुक में बस यही बताया गया कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, उसको डिवाइड किसके साथ करना है, डिस्टेंस बिटवीन देम आर स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड किसके साथ करना है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आर स्क्वायर। ये आर नीचे टू लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ये आना है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ साथ साथ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बता रहा है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, आगे भी बहुत बार बता चुका हूं, दैट इज कूलम, रिप्रेजेंट करते हैं सी के साथ, ठीक है। वन कूलम इज 1 एम्पीयर इंटू 1 सेकेंड। मैंने क्या बताया था, क्यू का फॉर्मूला क्या है, आई टी, तो क्यू को किसमें लिखूंगा, 1 कूलम इज इक्वल टू आई 1 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड। देखो यही आ गया, सो वेरीफाई होगी टर्म, ठीक है। इजी है चैप्टर, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस ध्यान से पढ़ते रहो, ठीक है। अगर वीडियो लंबी बन जाएगी तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है।